हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक सल्तनत काल के गुलाम वंश की। तो आज हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले सल्तनत काल, क्योंकि ये थोड़ा इजी टॉपिक है और आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में और इसकी कहानी को सुनने में। ये मेरे नोट्स हैं काफ़ी पुराने, जिनको मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, अगर उसमें हिस्ट्री का कोई भी पार्ट आता है तो आप उनको क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाओगे, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे किसी टीचिंग कंपटीशन हो, चाहे सीटेट हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो या आरएएस हो, कोई भी एग्ज़ाम जो जिसमें हिस्ट्री आता है, पीजीटी, XYZ, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये नोट्स हैं, मैंने एक एक लाइन इंपॉर्टेंट लाइन नहीं बताई, क्यों वो क्या है, तब पढ़ लेते हैं तो पर हमें याद नहीं हो पाती, तो इसीलिए इस तरह के नोट्स मैंने आपको पूरे शो किए हैं, जैसे कि आपको एक कहानी की तरह आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए और आपको आगे तक याद रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश की। जो सल्तनत काल है वो स्टार्ट हुआ था 1206 से 1290 तक। जो सल्तनत काल है वो 1206 से 1290 तक स्टार्ट हुआ था, 1206 से स्टार्ट हुआ था और 1290 तक चला था, और उसमें सबसे पहले आया गुलाम वंश। तो पढ़ते हैं, गुलाम वंश उत्तरी भारत के अंतिम तुर्क अफगानिस्तान विजेता मोहम्मद सिहाबुद्दीन गौरी की कोई संतान नहीं थी। सिहाबुद्दीन गौरी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से तराइन का युद्ध लड़ा और उनको हराया था गौरी ने, तो जो थे उनकी कोई संतान नहीं थी। किंतु जिस समय उसने भारतीय क्षेत्रों को विजित किया, उस समय वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दासों को लाया था। दास मतलब गुलाम होते थे, उस टाइम पर गुलामों का बहुत प्रचलन था, जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो अपने गुलामों को अपने संतान ही मानता था, और इसीलिए उसने जो गुलाम थे उसके, वो उसने उन्हें अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। तो 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने पर उसके जो गुलाम सरदार थे, जो गुलामों का सरदार था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका भी नाम आपने काफ़ी सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके नाम पर कुतुब मीनार है, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता को ग्रहण किया, ठीक है, वो चाहता नहीं था, लेकिन लोगों का इतना फोर्स कर दिया कि आप प्लीज़ जो हमारा शासन है, जो कुतुब सिहाबुद्दीन गौरी छोड़ के गया है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में जो स्थानीय नागरिक थे उनके अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की, और 1206 में से 1290 तक के मध्य को इसीलिए सल्तनत काल के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के रूप में विख्यात हुए, ठीक है, क्योंकि वो जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए वहाँ से जो सल्तनत काल स्टार्ट हुआ और उसके गुलाम होने की वजह से ये पूरा गुलाम वंश कहलाया। यद्यपि वे सब एक वंश के नहीं थे, ठीक है, एक वंश नहीं है, ये नहीं है कि गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा या उसका बेटा, ये सब वंश मतलब एक ही वंश नहीं चलाए सल्तनत काल में, अलग अलग वंश आए हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश चलाया, इल्तुतमिश ने शमशी वंश की स्थापना की, वहीं बलबन ने बलबनी वंश की और आफरस शियाब वंश की स्थापना की। इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता की संतान थी, इसी कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या मामलुक सुल्तान कहा गया। मामलुक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान, उत्पन्न हुए दास, ठीक है। इन दासों को मामलुक नाम इतिहासकार हबीबुल्ला ने दिया। तो आपको इतना ज़्यादा, अगर आप सीटेट या यूपीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देंगे, तो आपको इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक स्टोरी की तरह समझते जाइए और जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी। अगर आप यूपीएससी या किसी हाई लेवल कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से इनको लिखते जाइएगा, और जो आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे तो मैं उसका भी पॉइंट बताती जाऊँगी। तो इनको एक नोट्स की तरह आप भी बना लीजिए।
तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका जो शासनकाल है वो स्टार्ट हुआ है 1206 से और ये 4 साल चला 1210 तक। चलिए पढ़ते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य की का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। ठीक है, ऐबक ने सिंहासन पर बैठने के पश्चात सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि वह खुद गुलाम था, वो सुल्तान बनना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और उसने केवल मलिक का सिपह सालार की उपाधि धारण की। ठीक है, मतलब मालिक का जो सिपह सालार है, इस तरह से उसका नाम पड़ा, मलिक का सिपह सालार की उपाधि धारण की। इसने शासक बनते ही ना तो खुतबा पढ़वाए और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। जो शासक होते थे वो अपने नाम का खुतबा पढ़वाते थे और अपने नाम के सिक्के चलवाते, जिससे कि लोगों को पता चले कि शासक की जो वैल्यू है या उसकी जो पावर है वो कितनी है। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया और 1206 ईस्वी से लेकर 1210 तक वो लाहौर में ही रहा। यहीं से उसने अपने शासन को संचालित किया। उसने लाहौर में ही अपनी राजधानी बनाई और एक इतिहासकार मिनाजुद्दीन सिराज ने ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया। वह लोगों को लाखों में दान दिया करता था। तो आप इसको इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं कि जो उदारता का जो प्रतीक है या उदारता का के कारण उसे लाख बख्श कहा गया। तो ये आ सकता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को इनमें से क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर हो सकता है लाख बख्श। तो ये इम्पोर्टेंट है, लाख बख्श। इसने अपने शासनकाल के दौरान हसम निज़ामी और फ़ख्र अ मुदब्बिर जैसे लेखकों को संरक्षण प्रदान किया। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत पसंद आएंगे ये नोट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ऐसे ही और शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट के लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार के बारे में भी सब जानते होंगे। तो जो कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही रखी गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसके नाम पर रखी गई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुतुब मीनार को बाद में किसने पूरा करवाया, तो आंसर होगा इल्तुतमिश ने। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के उपरांत ऐबक को विजित भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ने जिस समय सत्ता को प्राप्त किया था उस समय उसे अपने ही सहयोगी जो सरदार थे उनके विरोधों का सामना करना पड़ा। मतलब ऐबक वह काफ़ी फेमस था और उसे काफ़ी सूबेदारी सौंपी गई थी, तो लोग उससे थोड़ा जलते थे, जेलिस करते थे। तो जो उसके सहयोगी थे उन्हीं का वो विरोध करते थे और उसका सामना उसे करना पड़ता था, जिससे कि वो 4 वर्षों के अल्प शासनकाल के दौरान भी बहुत सारी कठिनाइयों से जूझता रहा और शायद इसी कारण वह कोई भी नई संस्था को जन्म नहीं दे पाया, क्योंकि वो उनसे लड़ने में इतना बिजी रहा कि उसने कोई नई संस्था को जन्म ही नहीं दिया और ना ही अपना जो सा वो सत्ता थी उसको आगे विस्तार मतलब फैलाया। जैसे लाहौर में था तो वो लाहौर तक ही सीमित रहा। और 1210 ईस्वी में तो चौगान, जो आज का पोलो है चौगान, इसको इम्पॉर्टेंट है, ये खेलते समय अचानक गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। जो पोलो हम खेलते हैं तो उस टाइम पे घोड़े पे बैठ के खेलते थे, आज भी खेलते हैं, तो घोड़े पे बैठ के खेला था तो घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई 1210 में। तो इसीलिए उसका जो शासनकाल है वो 4 साल ही चला और 1210 में उसकी मृत्यु हो गई, तो वहीं पर उसका शासनकाल ख़त्म हो गया। और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके अनुभवहीन अयोग्य पुत्र आराम शाह ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसका पुत्र था आराम शाह, लेकिन वो बहुत अयोग्य था। ऐबक के गुलाम एवं उसके जो दामाद इल्तुतमिश ने उसे हटाकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया और
ऐबक ने जहाँ साम्राज्य विस्तार करने की अपेक्षा अपना ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण मतलब अपने राज्य को मजबूत करने में अपना ध्यान लगाया, वहीं इल्तुतमिश ने अपने राज्य को सुदृढ़ तो किया ही साथ ही सल्तनत का विस्तार भी किया। काफ़ी फेमस है इल्तुतमिश और काफ़ी समझदार थे, दिमाग वाले थे, तो उन्होंने अपने राज्य को सुदृढ़ भी किया और अपने जो राज्य है उसका विस्तार भी किया। तो उनका शासनकाल जब चालू हुआ वो हुआ 1210 से 1236 तक। तो हम अभी करेंगे कि 1210 से उनका जो शासनकाल है चला। तो इल्तुतमिश जो थे वो इलबारी तुर्क थे और उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दिल्ली का जो संस्थापक जो माने जाते हैं वो इल्तुतमिश हैं और ऐबक की समय वो बदायूं के सूबेदार थे। इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया और 1229 में बगदाद के खलीफा से मान्यता का अधिकार प्राप्त करके इसने अपने आप को दिल्ली में स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। जो इल्तुतमिश थे वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद तो थे ही, लेकिन उससे पहले वो उनके गुलाम भी थे। तो उन्होंने एक गुलाम थे लेकिन उन्होंने खलीफा जो बगदाद के खलीफा थे उनसे मान्यता प्राप्त कर ली और गुलाम का जो पद था मतलब गुलाम की जो उन पर मोहर लगी हुई थी उससे अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। जिस समय यह दिल्ली पर शासन कर रहे थे उस समय इनके राज्य में तुर्क सरदारों ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया और इन विरोधी सरदारों को परास्त करने के लिए उन्होंने अपने वफादार गुलाम जो थे अमीरों की एक टुकड़ी बनाई 40 लोगों की, जिसे तुर्काने चहलगानी या चालिसा कहा गया। ये 40 लोगों का समूह था जो विद्रोहियों को दबाने के लिए उन्होंने बनाया था। इसे अपने शासनकाल के दौरान लगभग 1221 में उस समय कठिनाई का सामना करना पड़ा जब मंगोलियाई शासक चंगेज खां भारत की सीमाओं तक आ पहुँचे। और चंगेज खां का भारत की सीमाओं पर आने का कारण था ख्वारिज्म के अंतिम शासक जलालुद्दीन मगबर्नी जो अपनी जान बचाने के लिए सिंध तक आ पहुँचा था। जलालुद्दीन मगबर्नी ने इल्तुतमिश से सहायता के लिए याचना की किंतु इल्तुतमिश ने उसे सहायता देने से इनकार कर दिया और इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए नवोदित तुर्की साम्राज्य को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। आपने चंगेज खां का नाम सुनाया होगा। जो चंगेज खां थे वो बहुत पावरफुल बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थे उस टाइम के, सब लोग उनसे डरते थे। जब उन्होंने ख्वारिज्म के जो शासक थे जलालुद्दीन मगबर्नी वो अपनी जान बचा के सिंध तक आए भारत की सीमा पर आए तो उन्होंने इल्तुतमिश से हेल्प मांगी कि आप मेरी सहायता कीजिए। इल्तुतमिश जानता था कि अगर उन्होंने मकबरनी की सहायता की तो चंगेज़ खां भी उसका दुश्मन हो जाएगा और चंगेज़ खां की इतनी बड़ी सेना थी कि अगर वो भारत पर आक्रमण करते इल्तुतमिश के जो सत्ता पर मतलब एरिया में आक्रमण करते तो इल्तुतमिश ज़रूर हार जाता। तो उन्होंने मकबरनी को जो था हेल्प करने से मना कर दिया जिससे कि जो उनका साम्राज्य था वो बच गया। आगे बढ़ेंगे। जो इल्तुतमिश थे 1230 से 31 में बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। इसने अपने सिक्कों पर अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल, ये इम्पोर्टेंट है, जिसने टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। ये क्वेश्चन काफी आता है कि उसने भिलसा के प्राचीन हिंदू मंदिर एवं उज्जैन के महाकाल के मंदिर को लूटा और उसे नष्ट कर दिया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय ग्वालियर के क्षेत्र पर थी जिसे उसने जीतने की स्मृति में अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। इसने अपने शासनकाल के दौरान इतिहासकार मिनाजुद्दीन सिराज एवं मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपने साम्राज्य को विभिन्न
एकताओं में बांट दिया। उसने एक विशाल सेना का निर्माण किया जिसे सुल्तान की सेना कहा जाता था। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये कई बार मैंने काफ़ी क्वेश्चन, सॉरी, ये काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है कि चांदी का टंका और तांबे का जितल किसके द्वारा चलाए गए। तो दो महत्वपूर्ण सिक्के थे, चांदी का टंका और तांबे का जितल, या फिर इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया सिक्का। तो टंका या जीतल इस तरह से आ जाता है। तो आपको बताना है कि चांदी का टंका या तांबे का जीतल इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्के थे। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य में एकता नामक संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य को दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के लिए किया। ये पढ़ लेते हैं। इतिहासकार डॉक्टर के निजामी ने कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्ति, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दीक्षा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। इसके शासन व्यवस्था का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे। इसने अपने उत्तराधिकार के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया और अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु इसकी मृत्यु के पश्चात तुर्क अमीरों ने उसे एक पुत्र उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन फिरोज के समय या शासन काल के दौरान उसकी महाशाह तुर्कान सल्तनत की वास्तविक शासिका थी। मतलब रुकनुद्दीन एक नाम का प्याला था, जो चाल चलती थी वो शाह तुर्कान थी। ठीक है, वो एक महत्वाकांक्षी एवं निर्दयी महिला थी। दिल्ली सल्तनत की जनता ने फिरोज एवं उसके कार्यों से छुटकारा पाने के लिए उसको हटाकर रजिया को पुनः सुल्तान बना दिया। तो ये थे इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके आगे हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये मेरे नोट्स कैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा जिससे कि मैं आगे और चीज़ें शेयर करूँ, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और भी वीडियोस, और अपने जो नोट्स हैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। तो प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।